जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने एक ये स्मार्ट वॉच मंगाया हुआ है फ्लिपकार्ट से, और हम अपने स्मार्ट वॉच को अपने मोबाइल से कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम अभी नहीं जानते हैं या आप लोग नहीं जानते हैं कि आखिरकार स्मार्ट वॉच को मोबाइल से कनेक्ट कैसे किया जाता है। जब आपका स्मार्ट वॉच है जो मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा, तो आप अपने स्मार्ट वॉच से अपने मोबाइल को मैनेज कर पाएंगे, जैसे किसी को कॉल लगाना, अलार्म सेट करना, अपने मोबाइल को फाइंड करना, स्टेप्स अपने देखना, अपना हार्ट देखना, अपना वॉलपेपर चेंज करना, अपने टाइम को मैनेज करना, सब कुछ आप कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास ये स्मार्ट वॉच है वोट कंपनी का, और स्ट्रॉम कॉल यानी कि ये वॉच का नाम है, और इसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है, और इसका मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप जरूर देख लेना। अब आपको दिखाते हैं, हमारे पास ये स्मार्ट वॉच है, इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और हमें यहाँ पर करना क्या है कि अपने स्मार्ट वॉच को अपने मोबाइल फोन से हमें कनेक्ट करना है, अपने यहाँ पर मोबाइल से कनेक्ट करना है, ताकि हम अपने मोबाइल से अपने स्मार्ट वॉच को पूरी तरीके से मैनेज कर पाएं। तो सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जो इस वॉच का यहाँ पर कंपनी का एप्लीकेशन है, और उसी एप्लीकेशन से आप अपने वॉच को आप मैनेज कर पाएंगे। तो कैसे आप मैनेज कर पाएंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये QR कोड है। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको QR कोड दिखाई देगा। चाहो तो आप इस QR कोड को स्कैन करके आप प्ले स्टोर पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, और आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप QR कोड को नहीं फाइंड कर पाते हैं तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले यहाँ से आप बैक आ जाइए और अपने मोबाइल फोन के होम पेज पर आइए, और प्ले स्टोर में जाएंगे तो आपको ये वाला एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, वोट वायरलेस, देख सकते हैं वोट वायरलेस। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। अब आप इसे ओपन करें, परमिशन को चालू करें, इस तरीके से ये सारी परमिशन आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद अब यहाँ पर आपको एक लोकेशन का परमिशन मिलेगा, वो भी आपको अलाउ करना होगा। तो यहाँ पर हम अलाउ करते हैं। अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपका बोट वायरलेस वही एप्लीकेशन आ जाएगा, और ये नोटिफिकेशन का परमिशन चालू करें, और यहाँ से आपको इसे ओके करना है। बहुत ही आसान तरीका है, बस आप ध्यान से देखते रहना और आपको पता चल जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से बैक आ जाइए, अपना एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए, गो एट ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा, लेकिन अब आपको यहाँ पर एक बात याद रखना है, क्योंकि आपका जो स्मार्ट वॉच होता है वो आपके ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, तो सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में अपना ब्लूटूथ ओपन कर लीजिए। तो चलो, हमारा तो ओपन है ब्लूटूथ, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपका वॉच कौन सा है, आपके वॉच का नाम क्या है, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके वॉच का नाम दिया गया है, नहीं दिया गया है तो आप अपने जहां से भी आपने वॉच लिया है तो उसकी डिटेल्स में जाकर देखेंगे, तो वहां पर आपको नाम पता चल जाएगा। तो हमारा जो वॉच है वो स्टॉर्म कॉल का है, तो यहां पर अभी आपको थोड़ा देख सकते हैं, नहीं दिखा रहा है, तो आपको नीचे आना होगा। यहां पर आपको मिलेगा आपका वॉच का नेम, अपने वॉच के नेम पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा ऐप बैटरी ऑप्टिमाइज यूजेस, अब आप इस पर क्लिक कर दीजिए, और यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, बैक आ जाना है और ऑटो सेटिंग स्टार्ट पर क्लिक करना है, और इस एप्लीकेशन को परमिशन देना होगा, यानी कि बस आपको कुछ परमिशन ही देना होता है जब आपका ये एप्लीकेशन काम करता है आपके वॉच से। अब यहाँ पर आपको सेटअप करना होगा, सेटअप पर क्लिक कर दीजिए, आई एग्री को एक्सेप्ट कर लीजिए और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपका डिवाइस स्कैन होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा आ चुका है स्ट्रॉम कॉल, यानी कि ये हमारे ही वॉच का जो नाम है वो आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको पेयर बटन पर क्लिक करना होगा, तो हम यहाँ पर पेयर बटन पर क्लिक करेंगे। अभी आपको इसमें दिखाई देगा कि हमारा स्मार्ट वॉच हमारे मोबाइल से कनेक्ट हो गया, पेयर सक्सेसफुल ब्लूटूथ कनेक्टिंग, और कंग्रेच, जैसा कि आप देख सकते हैं, बस आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, कुछ डिटेल्स आपसे पूछेगा, तो आप यहाँ पर इसे मेंशन कर सकते हैं, करना चाहते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर दीजिए। चलो हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं, नहीं तो थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो हम यहाँ पर इसे स्किप कर देते हैं। इस तरीके से इसमें कुछ भी नहीं है, इसे आप बाद में भी आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मिलेगा स्टार्ट योर जर्नी, अब आप इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद गो इट पर क्लिक कर दें, गो इट पर क्लिक कर दें। हम यहाँ पर मैंने एक बार अपने वॉच को कनेक्ट किया था, तो उसी का ये दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जब अब आपका ये कनेक्ट हो चुका है, अब अपने वॉच को लेकर कहीं पर घूमने टहलने जाएंगे, तब आपको सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। अब बताते हैं कि आपका ये वॉच तो कनेक्ट हो गया है, लेकिन अगर आप अपना ये जो आपका वॉल पेपर लगा है इसे चेंज करना चाहते हैं, या आपका यहाँ पर टाइम दिखाई दे रहा है, इसे आपको चेंज करना है 24 या 48 घंटे के लिए, यानी कि आपका 24 आवर का फॉर्मेट लगा होगा,
तो आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो आपको जाना होगा अपने वॉच पर, वॉच पर जाने के बाद आपके वॉच के विकल्प आ जाएंगे वॉच फेसेस। अब आप इस पर क्लिक कर दें। वॉच फेसेस का मतलब आपका वॉलपेपर, तो आप यहां पर अपने वॉलपेपर कौन सेट करना चाहते हैं। जैसे अभी हमारा ये वाला वॉलपेपर सेट है तो हम ये सेट करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे, हमारा ये वॉलपेपर सेट हो गया। ये सेट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, ये सेट हो गया। ये सेट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, ये सेट हो गया। ये सेट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, तो हमारा यहाँ पर ये वॉलपेपर सेट हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने अपना फोटो लगाया था। यहाँ पर देखेंगे ये कस्टम वॉलपेपर है, तो फोटो तो मैंने लगाया था तो हमारा यहाँ पर फोटो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये सेट करना चाहते हैं तो ये सेट कर सकते हैं। तो जो भी आप सेट करना चाहते हैं वो आप सेट कर लीजिए और लाइव आपको दिखाई देगा आपके वॉच पर। अब यहाँ से आप बैक आ जाइए। बैक आने के बाद अपना टाइम अगर यहाँ पर कनेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि देखना चाहते हैं जो आपका 48 या 24 घंटे के लिए चल रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा और सेटिंग पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर मिलेगा 24 आवर फॉर्मेट टाइम, अब इसे आप बंद कर देंगे, ये आपका चालू होगा इस तरीके से। तो अभी आपको दिखाई देगा अब हमारा जो टाइम है वो 24 आवर के हिसाब से दिखाई दे रहा है, तो इसे हम बंद कर देंगे। हमारा टाइम जो है वो हमारा 12 घंटे के हिसाब से दिखाई दे रहा है। और ये आप वेदर अपना चालू कर लीजिए। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सेटिंग आपको मिलेगा इसे आपको चालू कर देना है। वेक गेस्चर, वेक गेस्चर का मतलब है कि अपने घड़ी को जब आप इस तरीके से हिलाएंगे तो आपका ये जो लाइट है वो जल जाएगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। बस आप इतना कर लीजिए। उसके बाद अगर आप अलार्म सेट करना चाहते हैं तो अलार्म यहाँ से आपको मिल जाता है, अलार्म सेट कर लीजिए। अपने डिवाइस को आप फाइंड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप कहीं पर कॉल लगाना चाहते हैं तो कॉल लगाने के लिए अब आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने यहाँ पर वॉच के होम पेज पर आना होगा और कॉलिंग के ऑप्शन पर जाना होगा। जैसे ये कॉलिंग का ऑप्शन है तो सबसे पहले ये चालू कर दीजिए। उसके बाद आप डायल पर क्लिक करिए। डायल पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर कहीं पर भी, जहाँ पर भी आप कॉल लगाना चाहते हैं वो आप डायल कर दीजिए। जैसे हम यहाँ पर लगा देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कॉल लगाया और यहाँ पर ये डायल हो गया है, तो हम इसे कट कर देते हैं। फिर से हम डायल यहाँ पर डायल करेंगे 5 6 7 8 9 और डायल कर देते हैं। यहाँ पर इसे पहले कट करते हैं 5 7 8 7 8 9, यहाँ पर इसे डायल करेंगे और हमारे मोबाइल से जाना स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसे कट करेंगे, हमारा कॉल कट हो जाएगा। तो ऐसे तरीके से अपने वॉच को आप पूरी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर बाय चांस आपका जो वॉच है वो आपके कॉलिंग के लिए कनेक्ट नहीं होता है तो आप अपने मोबाइल फोन के अंदर आपका जो ब्लूटूथ है इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये आपका विकल्प मिलेगा सबसे नीचे, यहाँ पर कहीं पर होगा ये वाला, तो आप इस पर क्लिक करके ये वाला विकल्प भी आप कनेक्ट कर लीजिए। तो हमारा एक तो ये कनेक्ट हो गया बोट स्मार्ट वॉच, और एक हमारा ये कनेक्ट हो गया स्ट्रॉन्ग कॉल वाला। तो बस आप दोनों कनेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आपका जो स्मार्ट वॉच है पूरी तरीके से आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा। और हाँ, अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिरकार अपने स्मार्ट वॉच से अपने मोबाइल में गाना कैसे बजाएंगे, कैसे अपने मोबाइल से मोबाइल के म्यूजिक को अपने वॉच से आप कस्टमाइज कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप सीख गए होंगे कि आखिरकार बोट का जो वॉच होता है उसे कैसे कस्टमाइज किया जाता है, कैसे कनेक्ट किया जाता है एप्लीकेशन से और मोबाइल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही।